अब खबर गोंडा से है, जहां रोडवेज बस को धक्का मार रहे यात्री। खराब हुई रोडवेज बस को धक्का मारते यात्री दिखे हैं। सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग पर यह बस खराब हुई थी। बस से उतरकर क्रॉसिंग पर धक्का लगाने को मजबूर हुए यात्री, तो बस में सवार यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा परिवहन विभाग। 15 साल पुराने हो चुके प्राइवेट वाहनों पर नए नियम में रिन्यूअल कर दिया गया है कैंसिल। तो यूपी की परिवहन व्यवस्था रोडवेज बसों के जरिए दे रही हादसों को दावत। आप नेता ने फोटो ट्वीट कर तस्वीर को बताया राम राज्य की तस्वीर। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक रोडवेज बस खराब होती है और इसको धक्का देते हुए यात्री नजर आते हैं। गोंडा से हमारे संवाददाता कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। कादिर, सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप नेता ने यह ट्वीट कर तस्वीर साझा की है और बताया कि किस तरह से परिवहन विभाग की स्थिति है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से गोंडा में लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं और गोंडा में जो रोडवेज बस है किस तरीके से क्रॉसिंग के बीचों बीच में जो है जब बस खराब हो गई और यात्री जो है इसको धक्का मारते नजर आए और इसकी पूरी फोटो जो है वो आप नेता ने जो है सोशल मीडिया पे लगाने के बाद में बताया कि राम राज्य और जिस तरीके से लगातार परिवहन विभाग की लापरवाहियां देखने को सामने आती हैं और लगातार जो यात्री हैं उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। तो जान अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस तरीके से क्रॉसिंग के ऊपर ये बस खटारा बस जो है लगातार खराब होती है, अलग अलग तस्वीरें गोंडा में लगातार वायरल होती है और आप नेता ने जिस तरीके से राम राज्य बताया है इसको, तो कहीं ना कहीं जो 15 साल पुरानी बसें हैं उसको रिन्यूअल कर दिया गया है तो लापरवाही है, क्योंकि जो यात्री है वो यात्री इस खटारा बस पे सफर करने को मजबूर रहते हैं और वो पूरा किराया देते हैं, लेकिन किस तरीके की लापरवाहियां क्यों की जाती हैं, उनकी जिंदगियों से किस तरीके से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी तस्वीर लगातार जो है सोशल मीडिया पे डाली जाती है। जो बसें हैं क्योंकि यात्रियों को इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है और जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर जो परिवहन विभाग है वो यात्रियों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। बिल्कुल कादिर, और इसके साथ ही साथ देखिए किस तरह हादसे को दावत देता हुआ ये पूरी तस्वीर है। कादिर, जिस तरह से 15 साल पुरानी ये बस बताई जा रही है, स्क्रैच में ये बसें डाल दी जाती है, लगातार परिवहन यही प्रयास कर रहा है जो पुरानी बसें हो गई उन्हें हटाया जाए, इस बेड़े से निकाला जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बस चल रही है इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? साफ तौर से यदि कोई अगर बड़ी घटना होती है उसके बाद ही यहाँ प्रशासन जागता है, लेकिन जो लापरवाहियां है परिवहन विभाग जिस तरीके से लापरवाहियां कर रहा है और यात्रियों की जिंदगी से जिस तरीके से खिलवाड़ होता है जब कोई, क्योंकि क्रॉसिंग पे यदि अगर ये बस खटारा पर तो खराब हो जाने के बाद में अगर ट्रेन आ जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लगातार सोशल पे जो है तस्वीरें वायरल हो रही है और गोंडा में जिस तरीके से देखा जाता है कि परिवहन विभाग जो है लगातार लापरवाहियां कर रहा है और जो खटारा बसें हैं उसको हटाया नहीं जा रहा है और उसी बसों से सफर करने के लिए यहाँ के यात्री मजबूर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 15 साल पुरानी बसें हैं अभी तक उसको हटाया नहीं गया है और उसको रिन्यूअल करके किस तरीके से चलाया जा रहा है, तो रोड पे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, हादसे का बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है और गोंडा में इस तरीके की लापरवाहियां आम हो चुकी। इसके साथ ही साथ कादिर, क्या अभी परिवहन विभाग के किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है कि इसका जवाब तय किया जा सके कि आखिर किस तरह से ये बसें चलाई जा रही है और अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए निश्चित तौर पे अगर अधिकारियों की और जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो गोंडा में जो अधिकारी है हमने उन अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नहीं उठा और गोंडा में जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार जो है अपना बयान देने से पछते नजर आते हैं और फोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई अधिकारी जो जिम्मेदार है वो फोन उठाने को तैयार नहीं रहते हैं। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो जांच का हवाला जरूर दिया जाता है लेकिन जांच पर कोई आंच नहीं आती है और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सोते रहते हैं। ठीक है कादिर, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।